नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बरेली मंडल के चारों जिले बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में 11 मई को मतदान होगा, 13 मई को चुनाव नतीजे आएंगे। तो वहीं बरेली में विकास के मुद्दे को लेकर चंग चढ़ गई है। जनता किन मुद्दों पर वोट करके किसको ताज पहनाएगी और किसको ठेंगा दिखाएगी, यही जानने को लेकर एमकेएन न्यूज़ की टीम बरेली के अलग अलग वार्डों में पहुंची और जनता से जानने की कोशिश की कि इन 5 सालों में उनके नेता उनकी कसौटी पर कितना खरा उतरे हैं। इस पर जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए। और यहाँ की रोड आप देख ही सकते हैं कितना बुरा हाल है। यहाँ पे 1 साल हो गया इस रोड को टूटे हुए। बहुत बार हम लोग ने कहा है, बहुत बार सबने कंप्लेन करी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। मई में इसको पूरा 1 साल हो जाएगा, 27 मई को 1 साल हो जाएगा। विकास के नाम पे तो आप लोग देख ही रहे हैं, 1 साल हो गया ये रोड अभी तक पड़ी हुई नहीं है, खराब पड़ी है तब से। हर बार आते देख के फोटो खींचते हुए चले जाते हैं। वैसे तो बहुत हुआ है, हमारे पहाड़ में भी जहाँ सड़कें नहीं जाती थी वहाँ बहुत गई, और कोई ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा जगह सुनी हो। अब घर घर नल भी आ रहे हैं, मगर यही कॉलोनी ऐसी है जिसमें सड़क आज तक नहीं बनी। साल भर उसका खुदा हुआ, पूरा साल 6 जून को खुदी थी पिछले साल। अभी हम नगर आए तो यहाँ आई थी परसों, उससे भी मिले थे, अभी मिले थे, यहीं पर मिले थे तो बोले बन जाएगी। नहीं, काम काज क्या हुआ, ये सब जगह का ठेका तो हम नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ का काम नहीं हुआ है। यहाँ का जो ये रोड का काम है वो नहीं हुआ, ये हमको कह सकते हैं जी कि हाँ वो उसने काम नहीं की है। और काम क्या की नहीं की उसका तो गारंटी हम नहीं ले सकते। उनके सामने जो रोड पड़ी हुई है उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, लेकिन कुछ कारणों के बस ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है, इस कारण से वो रोड नहीं हो पाई है। और हाँ, अभी भी लगातार प्रयास में हूँ। 8 महीने हो गए, उस रोड की वजह से मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन अब उम्मीद करती हूँ कि शायद 4-6 दिन में वो रोड कंप्लीट हो जाएगी।